बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का ये साझा ऑपरेशन था। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उरी सेक्टर में जैश के ये 5 आतंकियों को ढेर किया है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ये साझा ऑपरेशन था। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, ऑपरेशन ऑल आउट एंड 26 जनवरी से पहले इसको बहुत बड़ी सफलता के रूप में लिया जा सकता है। 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है घुसपैठ से पहले। बिल्कुल, आपको बता दूं, उड़ी सेक्टर का ये जो इलाका है, यहीं पर सुरक्षा बलों को रात को खबर मिली थी कि घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इन घुसपैठियों को देखा, और उसमें आपको बता दूं 5 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ करके तारबंदी से अंदर आ रहा था, उसी को चैलेंज किया गया। पूरे तरीके से पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं। आपको बता दूं, ये जैश ए मोहम्मद का फिदायन दस्ता था। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश ठीक 26 जनवरी से पहले कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद ने उठाई थी, और इसी के मद्देनजर ये घुसपैठ की कोशिश करके कहीं ना कहीं उड़ी इलाके में किसी सैन्य ठिकाने या फिर किसी सुरक्षा बलों के ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश जैश ए मोहम्मद की ये आतंकी कर सकते थे। मगर उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 5 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि अभी भी ऑपरेशन ये चल रहा है। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्या सुरक्षा बलों में या पुलिस से आपकी कुछ बात हुई है? लगभग कितने आतंकवादी हो सकते हैं, क्या इस पर कोई इंटेलिजेंस इनपुट है आपके पास? देखिए, जो अभी बात हुई है सुरक्षा बलों से, उसके मुताबिक लगभग 6 से 7 लोगों का एक ग्रुप था जो घुसपैठ कर रहा था, जिसको सुरक्षा बलों ने देखा और उसके बाद इसको चैलेंज किया गया। जब इन आतंकियों ने देखा कि अब इनको घेर लिया गया है, उसके बाद इन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई तुरंत मोर्चा संभाले हुए सेना के जवानों ने की, और उसके उसमें जो है पहले 4 और अब एक और आतंकी को मार गिराया गया है। कुल 5 आतंकी अभी तक मार गिराए गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं, और भारी मात्रा में आपको बता दूं असला जो इनसे मिला है, गोला बारूद जो मिला है, उससे साफ अंदेशा लग रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता दूं, कई आईडीज हैं, कई वेपन्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, रॉकेट लॉन्चर इनसे मिले हैं, जो बिल्कुल साफ बिल्कुल हैं बिल्कुल अजय, इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ अंदर आ रहे थे, और 26 जनवरी क्योंकि करीब है तो हो सकता है किसी हमले को अंजाम दे सकते थे। बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और